को जोड़ने और हिंदुस्तान की एकता और जो पुरानी परंपरा है उसको अक्षुण रखने का ही तो प्रयास है। आप मुझे बताइए, मैं केरला में आपको लेके चलता हूँ, मैं श्रीनगर गया हूँ आपको लेके चलता हूँ, हिंदुस्तान की एक चीज वहां दिखा दीजिए जो प्रिविलेज करती हो, जो आज भी हो। श्रीनगर और कश्मीर तो अपने आप में सनातन धर्म का, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। वहां मस्जिदें हैं, वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया। आप इन तीनों स्टेट में आप चल के देखिए, हालत यह है, आपको लगेगा कि हम ये हिंदुस्तान का पार्ट है ही नहीं। योगी जी ने जो बोला वो वाकई में उनको हिंदुस्तान का पार्ट बना के रखने के लिए बोला। अगर हिंदुस्तान को एक रखना है तो हर मुख्य हिंदुस्तान की जो पुरानी रीति रिवाज है उसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप बांग्लादेश से ला करके रोहिंग्या को ले आके बसा देंगे और फिर हिंदुस्तान जो है आप बोलेंगे असली हिंदुस्तान यही है। इन साजिशों को हम समझते हैं, जनता समझती है, करंट सरकार समझती है और उसके ऊपर भी एक्शन होगा। ठीक है, श्रीनगर में जो किया गया, कश्मीर में जो किया गया, उसका जो विलय किया गया वो नेक्स्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्या, बल्कि इम्पॉसिबल ही था वो। ग्लोबल कम्युनिटी का आप प्रेशर देखिए, गल्फ का प्रेशर हमेशा रहता था, यूएसए यूके का प्रेशर रहता था, लेकिन जिस बहादुरी से, जिस रणनीति से वहां पे किया कि एक पत्थर तक नहीं चला, एक गोली तक नहीं चली। आप जरा करके देखिए ना, वेस्टर्न यूपी या जरा केरला में करके देखिए, जहां पे ये सारे हैं आप जाके देखिए वहां क्या हालत होती है। गाय के बछड़े को उन्होंने सड़क पे काटा था कांग्रेस के लोगों ने। तो वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस तरह का एक्शन और विचार बहुत जरूरी है। और एक चीज और बता दूं डॉक्टर साहब आपको, दूसरे धर्म के लोग जो बाहर से माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आए हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा खूबसूरत और ग्रोइंग कम्युनिटी तब रहे हैं जब सनातन धर्म यहाँ बहुतायत में या डोमिनेट करता था। आप मुझे बताइए, केरला में बोलते हैं वहां 100% शिक्षा है। मैं मानता हूं बहुत अच्छा काम किया, 100% शिक्षा है तो 100% घरों पे ताले क्यों लगे हैं? लोग गल्फ में जाके क्यों कर रहे हैं नौकरियां? क्या शिक्षा पलायन देने के लिए की जाती है? एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है। नहीं मैं नहीं ऐसी ठीक शिक्षा ठीक नहीं, आपका हूं। आपका अपना व्यू पॉइंट जो है वो सामने आ गया।